हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सिस क्लासेस। सो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माय सिस क्लासेस पे। तो हम इंडियन स्टेट्स की श्रृंखला में आज उत्तराखंड को जानेंगे। हम आज उत्तराखंड से रिलेटेड सारा स्टेटिक जीके, उसके इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स, इम्पोर्टेंट रिवर्स, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये स्टेटहुड बना था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। कैपिटल है इसकी, देखो समर में इसकी गैरसैंण है और विंटर में इसकी देहरादून है। लार्जेस्ट सिटीज की देहरादून है। अगर बात करें इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सो अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पूरी गढ़वाल, पिथौरगढ़, रुद्रप्रयाग, तेहरी गढ़वाल, उद्धम सिंह नगर और उत्तराक्षी, ये इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे जो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्या है, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन और स्पीकर ऑफ द असेंबली है प्रेमचंद अग्रवाल जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है। और अगर बात करें लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट की पार्ट की वहाँ की, तो स्टेट लेजिस्लेचर में यूनिकैमरल है और उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट्स हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाइकैमरल है हमारा और उसमें राज्यसभा और लोकसभा दो पार्ट हैं, जिसमें राज्यसभा में उत्तराखंड की 3 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। सो अगर रैंक वाइज बात करें हम, एरिया रैंक की 19th नंबर पे आता है, इसका टोटल एरिया इतना है, ठीक है। और अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज ये 21st नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? 21st नंबर पे। बात करें कुछ स्टेट सिंबल ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें बात करते हैं राजकीय चिन्ह उत्तराखंड के हैं, एम्बलम है डायमंड शील्ड, मोटो है सत्यमेव जयते, ट्रुथ एलोन ट्रेम्स, लैंग्वेज है हिंदी और संस्कृत, सॉन्ग है वहाँ का उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। देखो उत्तराखंड को वैसे लैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड लैंड ऑफ द गॉड्स मदरलैंड। बात करें फाउंडेशन डे, तो उत्तराखंड डे, करेंसी है इंडियन रूपी, कैलेंडर है इंडियन नेशनल कैलेंडर, इंस्ट्रूमेंट है ढोल, मैमल है एल्फाइन मस्क डियर और बर्ड है हिमालयन मोनल और बटरफ्लाई है वेस्ट हिमालयन कॉमन पिकॉक। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रीट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड, दैट इज ब्रह्मा कमल, और फ्रूट की बात करें तो कपहल, ठीक है, और ट्री की बात करें तो बुरांस। बात करें स्टेट वेजिटेबल, वो है कंडली, स्वीट की बात करें तो बाल मिठाई, और रिवर की बात करें तो गंगास, और स्पोर्ट्स की बात करें तो फुटबॉल। सो ये मैप है उत्तराखंड का। सो इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। सो यमुना है, गंगा है, ठीक है, और अलकनंदा है, गौरी, काली, ये सारी इम्पोर्टेंट रिवर्स है उत्तराखंड की, ठीक है, मेजर रिवर्स है, बहुत मेजर रिवर्स है, ठीक है। बाकी हरिद्वार है उत्तराखंड में, देहरादून है आपको पता है, ठीक है, टेहरी गढ़वाल है, सो चमोली है, इम्पोर्टेंट सारे डिस्ट्रिक्ट, जो बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, ठीक है, ये सारे कहाँ हैं उत्तराखंड में। अगर बात करें इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर और नेशनल पार्क्स की उत्तराखंड में, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराक्षी में। नेक्स्ट बात करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में है, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, चमोली में। राजा जी नेशनल पार्क देहरादून है, पूरी हरिद्वार में और उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, उत्तराक्षी में। और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराक्षी में। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में, चमोली, रुद्रप्रयाग में। अशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरगढ़, उत्तराखंड में। सोनानंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पुरी, उत्तराखंड में। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। विनोग माउंटेन क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देहरादून में। असन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देहरादून में, असन। कि झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरिद्वार में है, उत्तराखंड में। इस मैप के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे उत्तराखंड के बारे में, बिकॉज ये टूरिस्ट मैप ऑफ उत्तरांचल है, ठीक है। सो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के मेजर सिटीज़ की, ठीक है, मेजर सिटीज़ कौन सी हैं। सो देखो मैं मार्क करते जाऊँगा मेजर सिटीज़ को। सो जकार्ता, ट्विनी, हरकिदुम, गंगोत्री, गामुख, बद्रीनाथ, ठीक है, हेमकुंड, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोपेश्वर, ठीक है, जोशीमठ,
नंदा देवी, बैजीनाथ, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, राजा जी, मसूरी, तहरी, धारसू, पिंदारी और चाकूटिया, रानीखेत, रामनगर, कॉबेट, काशीपुर, किच्छा। सो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्या है, सिटीज़ ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की। सो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस में हम बात करते हैं यहाँ से चकार्ता से, राजा जी, ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीनगर, पुरी और लैंसडाउन, बैजनाथ, रानीखेत, कोशानी, गोपेश्वर, वैली ऑफ लॉर्ड, बद्रीनाथ, हेमकुंड, केदारनाथ, गंगोत्री, गौमुख, यमुनोत्री। सो ये इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस। बाकी आगे बात करते हैं, बात करें एयरपोर्ट की। सो तो कौन सा एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सो चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और बाकी मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऊपर बता दी है। ठीक है, सो ये मैप था, ये इम्पोर्टेंट मैप है। ठीक है, अगर बात करें इम्पोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, तो सबसे पहले केदारनाथ टेम्पल आता है, तुंगनाथ टेम्पल, बालेश्वर टेम्पल चंपावत, फिर आता है कटमल सन टेम्पल, फिर आता है महासू देवता टेम्पल, फिर ये आता है लाखमंडल, फिर आता है त्रियोगी नारायण टेम्पल, फिर आता है बैजीनाथ टेम्पल बागेश्वर में, फिर आता है देवालगढ़ टेम्पल, फिर आता है जोगेश्वर टेम्पल। तो ये हमने इम्पोर्टेंट टेम्पल्स करे। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स की, इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके की। सो लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, नोन एज फॉर देवभूमि, मैंने आपको बताया था लैंड ऑफ गॉड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करें इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अराउंड में, सो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय हाई हिमालयस पीक्स एंड ग्लेशियर्स। सो आपको पता है जैसे हमारा ये इंडिया का टॉप है, सो ये यहाँ पे हमारे इंडिया में यहाँ करता है, तो इसका जो मोस्टली एरिया है ये वाला, सो ये किसके द्वारा कवर किया जाता है, हिमालयन पीक्स के द्वारा और ग्लेशियर्स के द्वारा कवर रहता है। ठीक है, द स्टेट इज़ डिवाइडेड नेचुरली बाय नंदा देवी माउंटेन्स। सो अगर ये स्टेट डिवाइड होता है तो किसके द्वारा, नंदा देवी माउंटेन के द्वारा डिवाइड होता है टू रीजन्स में। ठीक है, कौन से हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल। कौन से रीजन्स हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना कुमाऊँ और गढ़वाल। नेक्स्ट अगर बात करें मेजर रिवर्स की, सो मैप पे मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर से बात करते हैं, यमुना फ्लोइंग फ्रॉम कालिंदा पर्वत, कहाँ से फ्लो करती है, कालिंदा पर्वत से। यमुना रिवर कहाँ से फ्लो करती है, कालिंदा पर्वत से इन उत्तराखंड टू, कहाँ से कहाँ तक करती है, द गंगा, त्रिवेणी संगम द गंगा तक। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती रिवर एट इलाहाबाद। नेक्स्ट आता है मेजर रीजनल फेस्टिवल्स में, वसंत पंचमी, बितोली, मकर संक्रांति, फूलदेई और इम्पॉर्टेंट में आ जाता है गुगटिया कोतरा। मेजर आर्ट्स में आ जाता है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, फोक पेंटिंग, एम्पेन पीठ, देकरा, क्ले मॉडल्स। म्यूजिक में आ जाता है बेयर, भाड़ा, चंचारी, चपेली, होरी, हदी काबुल डांस और लांगवीर और पांडवा जोरा चोलिया। सो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स में आ जाता है ये। बात करें इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की, सो माइनिंग, फॉरेस्ट्री, हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, लीड, जिंक, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम। एग्रीकल्चर की बात करें तो राइस, वीट, सुगर कैन, पोटेटो, टर्मरिक, ऑयल सीड्स, ये सारी क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे। जियोग्राफिकल इंडेक्सेस में अगर बात करें टैग में, तो तेजपात ये क्या है, स्पाइसी। ठीक है, सो उसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। स्टेट एनिमल एल्पलाइन मस्क डियर, मैंने पहले बताया, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल और स्टेट फ्लावर है बर्मा कमल। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स की, तो बिलोंगिंग टू द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड्स, उत्तर पठा ये मेजर रोड है। ठीक है, सबसे पुरानी है बादशाही सड़क, जो उत्तर पठा बादशाही सड़क है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और सड़क इज़ाम ग्रांड ट्रक रोड भी कहाँ पे, उत्तराखंड में है। बात करते हैं द इंस्क्राइब्ड रॉक, जहाँ पर लिखा जाता था चट्टानों पे, अशोका के द्वारा कालसी, कालिंगा माउंटेन्स इन कानपुर।
रिमेन्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स लोकली आइडेंटिफाइड विद वर्थ पटना इन डिकोली पटल भुवनेश्वर केव्स, और क्या है, पाताल भुवनेश्वर केव्स है यहाँ पे। बात करें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की, सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नंदा देवी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो अशोका मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नादौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इस इमेज में इंपॉर्टेंट डैम्स देखो आप, जमारी डैम आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। जमारी डैम कहाँ है, कौन सी रिवर पे, गोला रिवर पे, लाखवर डैम है यमुना रिवर पे, कोटेश्वर डैम है भागीरथी रिवर पे, रामगंगा डैम है रामगंगा रिवर पे, टेहरी डैम है भागीरथी पे, ठीक है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेक्स की, सो भीमतेल लेक भीमताल के नियर है, देवीरिया ताल लेक यूकी माथ के लेक है, नानी लेक नैनीताल के, हेमकुंड चमोली और मनेरी उत्तराक्षी के। फोक डांस की बात करें तो चोलिया डांस, लंगवीर नृत्या, पांडव नृत्या, रोमाला, ओके, और सोहित्या ट्राइबल फोक डांस। बात करें इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की, सो बसंत पंचमी, नंदा देवी, राजजाट यात्रा, मकर संक्रांति, जानू पोन्या और कुंभ मेला, कांडली फेस्टिवल, ये कहाँ के, उत्तराखंड के। अगर बात करें वहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की, सो लोग कहाँ जाते हैं वहाँ पे देखने, तो देहरादून एंड मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत, ऋषिकेश एंड हरिद्वार, जिम कॉर्बेट, अल्मोरा फेमस ऑफ बीट प्लेसेस हैं, ओली जहाँ पे स्की एंथुजियस्ट है, चक्रार्ता शेड्यूल हिल टाउन है, चोपोटा सीनरी हिल्स हैं, लैंडसोन डेस्टिनेशन है, बढ़िया पिकनिक डेस्टिनेशन है, लैंसडाउन, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स, और चार धाम है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, जो कि डाइवर्स स्पिरिचुअल एसेंस की थ्रू है, तो यहाँ पे तो बहुत लोग जाते भी हैं इंडिया से, ठीक है। और धनौल्ती है वहाँ पे, कानातल है, स्वीन विलेज है और मुक्तेश्वर है, फन एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट क्या थे, इम्पोर्टेंट प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स की जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। तो उसमें आ जाता है फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड ऑनलाइन, CEO वोटर लिस्ट, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, सुपर 100 कैंपियन, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, यू हेल्थ कार्ड स्कीम, इंश्योरेंस कवर फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उत्तराखंड दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, फार्म लोन स्कीम एट 2% इंटरेस्ट। बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू स्कीम्स जो लॉन्च की गई है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से स्कीम्स की, तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, गोट रियरिंग, शिप रियरिंग, काउ रियरिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट स्टैटिक GK, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सब कुछ जाना हमने उत्तराखंड के बारे में। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गिव मी सपोर्ट।